गाइज आपको कुछ दिखाऊं मैं, कुछ बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग। सो गाइज सरप्राइज, लुक एट दिस। एंड गाइज आपने तो सोचा होगा, कभी सोचा कभी ऐसा कि आपके घर में जो ईंटा आता है वो किस कैसे स्ट्रक्चर से, कैसे मॉन्यूमेंट से, फाइनली कैसे प्रोसेस से वो बनता है। तो हम आज इतने बड़े मॉन्यूमेंट का, ईंटा भट्टी का, के अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर इसके अंदर है क्या, आखिर क्या होता है इसके अंदर, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। डीपली हम आज जा करके ट्राई करेंगे कि इसके अंदर आखिर होता क्या। तो आइए, कन्फ्यूज़ नहीं करना है, शॉक नहीं करना है, बहुत ही हैरत अंगेज वीडियो है, चलते हैं उसके अंदर। इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनने में कितना टाइम लगता है और क्या होता है इसके अंदर का फेनोमेनन, कैसे ईंटा नीचे तपता है और फिर वो इतना हार्ड स्ट्रक्चर बनता है, वो सारा चीज़ उसके अंदर चेक करेंगे कि व्हाट्स इनसाइड ईंटा भट्टी। तो गाइज ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ईंटा तपता है और देखते हैं कि इसके अंदर जाने का रास्ता है या नहीं है। मैं चारों तरफ से ट्राई करता हूँ। अब यहाँ देखिए, कहीं ना कहीं तो गेट होगा ही, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड, इसके अंदर जाने का रास्ता कहीं और है। अगर इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड हुआ? आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हो शायद नीचे से होगा। एक बार हम नीचे की तरफ चलते हैं। आजा भाई। तो गाइज ओवरऑल आपने देखा कि मैंने हर तरफ से ट्राई किया इसके अंदर जाने का रास्ता, बट ये चारों तरफ से कम्प्लीटली पैक्ड है। दूसरी बात कि यहाँ पे ईंटा है और यही लगता है तप करके जलता होगा और गाइज उसके अंदर से फिर ये मतलब हार्ड सरफेस बनता होगा, क्योंकि आपको पता है कि मड एंड स्ट्रो से बनाते हैं, तो मड जो है, कीचड़ जो है वो जलता होगा और फिर ये हार्ड जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये बनता होगा गाइज। सो ईंटा भट्टी का यही राज है, कोई एक स्ट्रक्चर अंदर जाने का नहीं है। What? Oh my goodness. So guys, ईंटा भट्टी के चारों तरफ, जैसा कि मैं सर्कल मार के चेक किया हूं, मैं चारों तरफ राउंड मार के, कि मुझे ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला है जिससे मैं उसके अंदर जा सकूं। बट बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक खतरनाक सा रास्ता मिला है, एक गुफा टाइप का रास्ता मिला है और वो देख के आप दंग रह जाओगे। आओ मेरे साथ। ये देखो, ये जैसे यहाँ पे ईंटा सब पहले से रखा हुआ है जो कि पक चुका है, जो आपको पता है कि कादो जो है मड की मदद से पहले उसको गीला करके एक शेप डाला जाता है और फिर उसको हीट दे करके पकाया जाता है। तो गाइज यहाँ पे एक छोटा सा गुफा मुझे मिला है और ये गुफा, इसके अंदर से रास्ता गया है ईंटा भट्टी का। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है जिसको अभी इन लोगों ने पैक कर दिया। अब उसके अंदर वकार कैमरा जाके दिखाएगा और देखिए गाइज ये वो रास्ता है जहाँ से आप या हम कोई भी इसके अंदर जा सकता है। बट चूंकि ये ईंटा भट्टी अभी बंद है तो इसके अंदर जाना अभी मुश्किल है गाइज। तो गाइज आपने देखा कि ईंटा भट्टी के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इसके चारों तरफ, बट हम कोशिश करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में कि हम इसके अंदर जाएं और इसके अंदर जाके उस टॉप लेवल तक पहुंच सकें। सो इस टॉप लेवल तक पहुंचने वाला वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना होगा और हमें सपोर्ट करना होगा गाइज। और एक से एक खतरनाक वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप एक बार एक्सप्लोर कर लो और फिर मिलते हैं कुछ नया खतरनाक वीडियो लेके, क्योंकि आपके लिए बहुत ही नया वीडियो आने वाला है। अभी हम लोग ट्रीजर हंटिंग का नया पार्ट लेके आएंगे और अभी आपको पता है कि हम स्क्विड गेम, जो कि बहुत ही फेमस मूवी था, एक वेब सीरीज था, स्क्विड गेम वाला एक सीरीज लेके आने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है। एंड 50 डेज इन केव गुफा वाला भी एक वीडियो आने वाला है। 3-4 खतरनाक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और सब आपके सामने मैं लेके आऊँगा। और आपको पहले से वादा किया हुआ हूँ कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरेगा वैसे ही हम अपने गाड़ी को बुलडोजर से चाप देंगे गाइज। सो गाइज बुलडोजर से अपने गाड़ी को हम पीस देंगे गाइज। सो गाइज इस खतरनाक सीरीज के लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा, क्योंकि इतने कम सब्सक्राइबर में हमने क्या क्या खतरनाक काम दिखा दिया है आपको। और इसका सेकंड पार्ट मैं दोबारा से ज़रूर लेके आऊँगा।
मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। It's all about humanity.